बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल का एक और नया वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें उसने ये कहा है कि मैं भागा नहीं हूं, बगावत के रास्ते पे हूं, जल्दी ही दुनिया के सामने आऊंगा। इस दौरान उसने लोगों से यह भी कहा कि वहम में मत रहें कि मैं भगोड़ा हूं और अपने साथियों को छोड़कर चला गया हूं, मैं आज भी अपने कौम के साथ और अपने साथियों के साथ हूं। तो इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी बातें करता हुआ अमृतपाल इस जो एक दूसरा वीडियो क्लिप सामने आया है उसमें कहता नजर आया। हालांकि हमने पिछले दिनों भी देखा, एक वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया था, उसके बाद एक और वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें खुद को भगोड़ा ना बताकर खुद को बागी बता रहा है अमृतपाल। जो करना कर लवे, हाँ ये गल है, गिरफ्तारी तो मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी लिए मैं कोई शर्त नहीं रखी, जिड़ियाँ गल्लां कीतियां जा रही, मैं गिरफ्तारी बारे कोई गल ही नहीं की, जिड़ियाँ गल्लां कीतियां जा रही भी अमृतपाल सिंह ने तीन शर्त रख दी गिरफ्तारी दियाँ, भी थाने जी उस कुटमार ने की, जब मैं कहना जी कुटमार करनी जिन्हें कर लवे, जिहड़ा तशद्दुद किसी ने करके वेखना करके वेख लवे, ना तशद्दुद तो डरदे ना बंद बंद कट। चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता नकुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। नकुल, बहुत बड़ी बात कह गया भगोड़ा अमृतपाल, कह रहा है मैं भगोड़ा नहीं बागी हूं और इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। क्या ये माने कि जिस पुलिस के हाथ अभी खाली है उनको एक चुनौती दे रहा है बार बार वीडियो जारी करने के बाद? किस तरह से देखे अमृतपाल किस वीडियो को? जी एक्चुअली बिल्कुल बात करेंगे अमृतपाल की, तो पिछली बार भी जब अमृतपाल की एक अफवाह जो बात सामने आई थी कि अमृतपाल जो किसी भी गुरुद्वारा में अपनी अमृतसर में या कहीं भी पंजाब में अपनी गिरफ्तारी दे सकता है, सरेंडर कर सकता है, उस समय भी पुलिस द्वारा एक राहत की सांस जरूर ली गई थी, क्योंकि पूरे पंजाब भर में पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई थी कि क्योंकि उनको शक था कि अमृतपाल कहीं भी अपनी गिरफ्तारी दे सकता है। तो उस हिसाब से अमृतपाल द्वारा उस समय एक वीडियो वायरल की गई, अपनी पुलिस तक अपना संदेश पहुंचाया गया, और दूसरी बार जब पुलिस को अमृतपाल की तलाश है उस समय अमृतपाल दोबारा से अपनी वीडियो वायरल करता है और उसमें साफ तौर से कहता है कि वह भगोड़ा नहीं है बल्कि बागी है और वो इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और फिर से एक बार वो सरपत खालसा को बुलाने की बात करता है, जो बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में पिछली बार भी पिछली वीडियो में भी उसने जाहिर की थी ये बात कि सरबत खालसा को बुलाया जाए, और वहीं पे वो ऐसा माना जा रहा है कि सरबत खालसा जब बुलाया जाएगा तो वहीं पे अमृतपाल अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश करेगा। तो दूसरी बार फिर से उसने सरबत खालसा बुलाने की बात कही है। तो बहुत बड़ी चुनौती इस समय पुलिस के सामने है, दो वीडियो जो अमृतपाल द्वारा सामने आई है, और अभी तक पुलिस को करीब 13 दिन हो चुके हैं, पुलिस को अभी तक अमृतपाल की तलाश है और अमृतपाल पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। बिल्कुल नकुल, बहुत बड़ी बात ये कहने वाली होगी कि चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने जरूर है, लेकिन एक के बाद एक अपने वीडियो क्लिप जारी करने के बाद भगोड़ा अमृतपाल भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन को दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नकुल आपका तमाम जानकारी के लिए।